पहुंची और मैंने तुम को भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को खुलवाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने उस खाने पीने से सजा पाएगा। आमीन।